नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। उड़ीसा युवा कांग्रेस प्रेस मीट। आज टिटलागढ़ PWD बंगला में राज्य कांग्रेस द्वारा एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था। टिटलागढ़ यूथ कांग्रेस और राज्य कांग्रेस ने टिटलागढ़ सरकारी मुख्य अस्पताल में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार होने की कड़ी निंदा की है और पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठाया है, जबकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस ने अस्पताल के अंदर सुरक्षित नहीं होने पर स्थानीय कांग्रेस के ठिकाने पर सवाल उठाया है। टिटलागढ़ उप जिलापाल के सरकारी आवास के पास सरकारी अस्पताल सुरक्षित नहीं होने पर कांग्रेस ने 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। प्रेस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेंद्र बाग, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डमरूधर क्षत्रिय, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तुलसी राव, राज्य कांग्रेस सभा दल के उपाध्यक्ष देवानंद साहू, बागोमुंडा ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवानंद साहू, विचित्रा बाग जिला कांग्रेस किसान संघ के अध्यक्ष प्रदीप साहू उपस्थित थे। सितंबर में टिटलागढ़ अस्पताल में बलात्कार के आरोप सामने आने के बाद इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और सरकार को कांग्रेस ने प्रश्न उठाया है कि आज यूथ कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष वीरेंद्र बाग ने राज्य में बिगड़ती कानूनी स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। टिटलागढ़ से गौरव दर्जी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। स्वागत करूँगी अपन मैंने अल करी अवगत अच्छा जे ओडिशा रे केन रकम रे आईन परिस्थिति विपर्य सीमा के पहुंची गलान अपन मैंने देखते हुए तो दिन दी दिन तले प्रदेश कांग्रेस सभापति निरंजन पटनायक को जेपर रकम का विरोधता परिचय देकर जिन मैंने आक्रमण कले पुलिस अच्छा तो नीरव द्रष्टा साजिजे। टिटलागढ़ में हॉस्पिटल भी झील मान लगे सुरक्षित नएन जेन रकम झील गोटे हेंडिकेप्ट झील अत्याचारी जे बाध्य कांग्रेस कमिटी आज प्रदेश युवा कांग्रेस आह्वान में आज प्रेस मीट कराचे आदि यार ठीक पदक्षेप नहीं निया जाए कांग्रेस कमिटी बाध्य राजरास्ता के उलावा जहाँ भी हो आप आम स्वागत करुचु आम युवा कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट वीरेन्द्र बाबू को कपी दौ संपूर्ण तदंत कर दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करवा लगे आम दावी गतकाल टिटलागढ़ में गोटे एफआईआर लॉन्च होता टिटलागढ़ पुलिस स्टेशन रे गोटे अभावन घटना गोटे दुर्भाग्यजनक घटना रे टिटलागढ़ हॉस्पिटल भितर घटी जाता गोटे विकलांग झीर सहित जोर जबरदस्ती करी ताके अन्य अत्याचार करा जाइतिला ताके टिटलागढ़ अंचलवासी से इश्यू पर समस्ते मर्माहत आम एवं ताके निंदा करी आज प्रेस मीट एवं टिटलागढ़ अंचल रे विगत समय रे चोरी डकैती मर्डर भी देखबार लगे मिलतिला आईन श्रृंखला परिस्थिति टिटलागढ़ संपूर्ण विपर्यस्त हो जाइए ताके प्रतिवाद करी आज आम प्रेस मीट थिला। राज्य रे कांग्रेस दल सभापति रूप जो आक्रमण होता ताके निंदा करी आज प्रेस मीट होता तो राज्य सरकार के ये सरकार चले नहीं पार्बार सरकार ठीक भाव में राज्य के चले नहीं पार्बार आईन परिस्थिति विपर्यस्त बारंबार देखबार लगे मिलूचे राज्य में सरकार के ओडिशा सरकार के आम युव कांग्रेस दावी करे ओडिशा सरकार तुरंत पदवी इस्तीफा हॉस्पिटल भितर जेन घटना घटीचे निंदनीय घटना हॉस्पिटल कर्तृपक्ष सुरक्षा देवार रे विफल हेचन एवं पुलिस प्रशासन के अनुरोध करवा लगी चाहूचे जे साधारण लोक निहाती भाव में दुईटा जगह के जाऊन गोटे पुलिस स्टेशन के जाऊन न्याय लगी एवं जीवन रक्षा करवा लगी टिटलागढ़ हॉस्पिटल के लोक आसुचन तो से हॉस्पिटल रे पुलिस प्रशासन भी गोटे पेट्रोलिंग टीम गठन करी ये प्रकार अन्य अत्याचार बहुत गुड़ाते चली विभिन्न समय विभिन्न अभियोग आसूचे पुलिस प्रशासन विशेष दृष्टि
एवं उपजिलापाल महोदय को मुझे अनुरोध करी विशेष दृष्टि ये इश्यू में देकर अंचलवासी के सुरक्षा देवे कांग्रेस दल दावी कर आम टीटलागड़ हॉस्पिटल के कांग्रेस कमिटी विजिट करूँ एवं आम देखार लगी पाइल जेन वार्ड रे शिशु विभाग जेन वार्ड रे घटना घटीचे से वार्ड रे सीसीटीवी कैमरा तो दूर कथा लाइट मध्य जलुनि इटा गोटे निंदनीय है। कर्तृपक्ष हॉस्पिटल कर्तृपक्ष के आम कड़ा शब्द रे निंदा करूँ एवं आम दाबी करूँ जे प्रत्येक वार्ड रे सुप्रीम कोर्ट भी गोटे गाइडलाइन दे बाथरूम के छाड़ी देला प्रत्येक ऑफिसर प्रत्येक जगार सीसीटीवी कैमरा लगवा बोली एवं सेंसिटिव डिपार्टमेंट जेहतु टीटलागड़ हॉस्पिटल से निहाती भाव में सब जगार सीसीटीवी कैमरा लगा जो इटा आम कांग्रेस दल रो दाबी है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।